जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है यार। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने दोस्त का घर दिखाऊंगा जहाँ पे मैं रह रहा हूँ एम्स्टरडेम में। मैंने एम्स्टरडेम के आपको वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी और घर का भी मैंने कहा था कि मैं आपको लाजमी बताऊंगा। असल में मैं कल आया था तो यार मेरी बहुत ज़्यादा ना मतलब कि थकावट थी, फ़्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा थी। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ जी डच लोग किस तरह रहते हैं और उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि मैं किसी हॉस्टल में या होटल में नहीं रह रहा, मैं दोस्त की तरफ रह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जी दोस्त का घर है। ये सबसे पहले आप उसकी बिल्ली देखें, और ये मेरा दोस्त है जी एलेक्स। हाय Hi एलेक्स, there. हाउ आर How यू? are you? I'm great. यू I'm वांट टू great. से समथिंग विद माय यूट्यूब फैमिली? Welcome to my house, everyone. हाँ ओके I had a great time, I think. जी, ये एलेक्स साहब हैं, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। और वैसे डच लोग किसी को घर में रखते नहीं हैं, ये इनका घर है। अभी बाहर तो अंधेरा हो गया हुआ है, मैं दिखा नहीं सकता, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अंदर इन्होंने टेम्परेचर को ना नॉर्मल किया हुआ है। तो ये घर है जी, देखिए इन्होंने किस तरह इसको ना मैनेज किया हुआ है। ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, बुक्स काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं इतनी। पाकिस्तान में तो बस रखते हैं शौक के लिए, लेकिन यहाँ इन्होंने पढ़ने के लिए रखी हुई हैं। और सफाई बहुत ज़्यादा है इनके घरों में ना। ये देखें, ये साथ जी फिश भी एलेक्स बता रहा था जी कि 17-18 मछलियाँ थी, पर ये एक ही सारों को खा गई है। सही है, और साथ अटैच ही ना ये किचन है इनका, ये देखें। एक ऊपर रूम है ये एलेक्स का है, और इस तरफ इसके छोटे भाई का रूम है बाथरूम के साथ, और एक ये इनका रूम है, और एक उन्होंने मुझे ऊपर दिया हुआ है, वो भी चलें आपको मैं दिखा देता हूँ। लाइट का थोड़ा सा मसला हो सकता है क्योंकि मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ। मैंने असल में ना कल सुबह निकलना है बेल्जियम के लिए, तो हो सकता है कि आपको सही नज़र ना आ रहा हो। लाइट में चलाने की कोशिश करता हूँ। मैं पैकिंग वगैरह अपनी कर रहा था सामान की, तो ये जी मेरा रूम है जो इन्होंने मुझे दिया हुआ है। और अभी आते हैं नीचे, आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। मतलब कि बड़ी थोड़ी सी जगह में इन्होंने काफ़ी अच्छा ना मतलब कि मैनेज किया होगा सब कुछ ना। ये भी कमरा ही है ऊपर, जो जिसमें मैं कमरे में रह रहा हूँ, कह रहा था मेरे इधर पेरेंट्स रहते हैं, वो यहाँ पे है नहीं है। और ये किचन देखें, ड्रिंक्स वगैरह देखें काफ़ी पड़ी हुई हैं। ये तो चलें पीते हैं, हम तो नहीं, खैर पीते हैं, हम तो मुसलमान हैं जी अल्लाह के फजल से। ये देख रहे हैं, और ये देखें अब किचन के अंदर ही बिल्ली फिर रही है, ये कैट आई है, तो ये किचन के अंदर ही फिर रही है। ठीक है, तो ये इससे बड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं। ये साथ कैलेंडर लगा हुआ है, ये देखें कैलेंडर पे इन्होंने कौन सी एक्टिविटीज़ कौन सी करनी है डेली, इन्होंने लिखी हुई है। सही है, और सफाई आप देख रहे हैं। फ्रीज़र में मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ जिनकी। ये रात को इसने मुझे ना कि पास्ता बना के खिलाया था, यकीन करें बीच में मिर्चें नहीं थी हैं, लेकिन मैंने कहा यार बहुत अच्छा बना है, तो आज सुबह मैंने जाकर टर्किश खाना खाया है। ये इनका जी वॉशरूम है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये शावर लेने के लिए जगह बनी हुई है, ये टॉवल्स हैं, और ये देखे ना सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और साथ आपको ये लैदा है जगह, तो ये किचन हो गया जी। बिल्ली बड़े गौर से देख रही है, देखें ज़रा, ऐसा जैसे आपको जानती है। और ये जी ये एलेक्स का जी छोटा भाई है, हाय, व्हाट्स अप? दो भाई हैं जी ये। Can you use this one tomorrow before we go? या You know it, right? ले जी, Drone? उसने ड्रोन निकाल लिया। या टुडे आई वाज आस्किंग बट द वेदर वाज नॉट गुड। Yeah, and I forgot about it, so हाँ I couldn't give it to you. I have to charge it for, before tomorrow, but we will. ले जी, ड्रोन उसने निकाल लिया, कह रहा कल उड़ाएंगे यार बेल्जियम जाने से पहले ना, इन अर्ली मॉर्निंग यार। In early morning, we're gonna go, maybe watch the sunset or something. अमेजिंग, परफेक्ट। ले जी कल सुबह ड्रोन उड़ाएंगे बेल्जियम जाने से पहले। और ये इनका जो है बाहर का दरवाज़ा है,
और ऊपर जो है ना, ऊपर ये एलेक्स का रूम है, ठीक है। तो ये घर की इन्होंने देखें सेटिंग किस तरह की हुई है, कितना इन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ है, देखें कितना ज़्यादा, कितने डेकोरेशन पीसेज इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं तो हैरान हो गया हूँ, इतनी छोटी सी जगह में इन्होंने इसको कितना कैसे मैनेज किया हुआ है। किचन भी बनाया है, कमरे भी बनाए हैं, टीवी लाउंज भी रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि साफ सफाई के इन्होंने वाकई बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। अच्छा, लोकेशन भी इसके घर की बहुत ज़्यादा अच्छी है, सेंटर से ना डैम स्क्वायर से तकरीबन कोई 15-20 मिनट की वॉक पे ही इसका घर है। और ये है कि मुझे, मैं असल में होटल में रहना चाह रहा था, लेकिन इससे मुझे कहा नहीं यार, आपने होटल में नहीं रहना, आपने मेरे पास ही आना है, जितने दिन आपने रहना है। चलो मेरा तो लंबा टूर नहीं था, मैं तो कि 2-3 दिन ही रहना था एम्स्टरडेम में, लेकिन वो बड़ा नाराज़ हो रहा है कि यार तुम सिर्फ 2 दिन के लिए मेरे पास क्यों आए हो, ज़्यादा दिन क्यों नहीं रुक रहे है। तो इस वजह से मैं उसको कहा यार मैं नेक्स्ट टाइम ज़्यादा दिन के लिए आऊँगा। असल में मैं बेल्जियम भी जाना चाह रहा था, क्योंकि मैं बेल्जियम पहले विज़िट नहीं किया हुआ, तो बेल्जियम जाके उसको विज़िट करेंगे। उसके बाद फिर मेरी इटली की 30 नवंबर की फ़्लाइट है, इटली भी जाना है। तो थोड़े दिन दिन मतलब के काम थे और डेस्टिनेशन ज़्यादा थी, तो मैंने कहा यार चलें 2-3 कंट्रीज़ हो जाएंगे और साथ आपको विज़िट भी करवाएंगे। एम्स्टरडेम आपको दिखा दिया, अभी बेल्जियम ब्रसल्स जाके दिखाऊंगा। और ये एक छोटा सा जी, दोस्त मुझे काफ़ी पूछ रहे थे यार अब एम्स्टरडेम में कहाँ पे रह रहे हैं, तो ये एलेक्स साहब हैं, अलेक्जेंडर इनका नाम है पर निक नेम इनका एलेक्स है। और ये स्टडी भी कर रहे हैं और साथ जॉब भी कर रहे हैं। So you can tell them about yourself a little about bit. About myself. Well, I'm Alexander. I was born in Amsterdam and I've lived here my entire life. My parents bought this house 25 years ago. Oh. And they, it used to be an old warehouse, but uh-huh. they made it into this nice house where I live. Believe now. me, you know, they converted in amazing place. Right? Yeah, I never want to move. This is like a model house. Right? Yeah, I don't want to go. I just want to stay here with my parents for always. Okay, okay. Alex saab ko ji maine Pakistan aane ki daawat di hai. Maine kaha aao, aapko main visit karwaunga. Mere asal mein kafi zyada dost hain jo mere bahut zyada creepy dost hain. Mere wo dost nahi hain jo logon ne Facebook pe banaye hote hain, hello hi ki hoti hai. Mere zyadatar sare milne wale dost hain Netherlands ke, mere dost hain uske alawa mere China ke dost hain, Italy ke dost hain, Turkey ke dost hain. To mere wo isi tarah dost hain jaise kisi ke mohalle mein dost hote hain. तो बड़े पुराने मेरे दोस्त हैं वो। ये है कि इतनी जल्दी होस्ट नहीं किसी को करते यार ये, मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स किया यार मेरे पास। अच्छा, मैंने मज़े की बात है, एम्स्टरडेम में होटल बुकिंग भी करवाई हुई थी, लेकिन इसने कहा नहीं यार उसको कैंसिल करो, तो आपने मेरे साथ रहना है। मैंने कहा चले इंशाल्लाह लाजमी आपसे मुलाकात होगी। चले, वो भी खुश हो गया और मेरा टाइम भी बहुत अच्छा गुजरा है। लेकिन ये है कि हाँ, खाने के इसका बड़ा मसला है यार, क्योंकि ये खाने का जो है ना, ये बनाते हैं बहुत ज़्यादा बग़ैर नमक के खाने ना, और हम थोड़े से खाते हैं स्पाइसी, तो वो बड़ा मसला आया मुझे। मैं आप सुबह उठ के फिर वो टर्किश एक रेस्टोरेंट था वहाँ से खाना खाया, मुझे सुकून आया। तो कल रात को मैं समझे बगैर खाना खाई सो गया था, क्योंकि रात को इधर 8 बजे के बाद ना लॉकडाउन हो जाता है, तो बाहर से कुछ मिल नहीं था रहा है। लेकिन रहने के लिए अमेजिंग प्लेस है, बहुत ज़्यादा उन्होंने खिदमत की है। सुबह उठ के जी कपड़े वगैरह उसने प्रेस करके मुझे दिए हैं, तो अगर ये मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो डेफिनेटली इसके बदले में मैं इनको डबल प्यार दूंगा जब पाकिस्तान आएंगे। तो ये है कि पाकिस्तान सारे आना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन कोविड की वजह से ना फ्लाइट्स वगैरह बंद हैं, चाइना से, नैदरलैंड से, उसके अलावा टर्की से मेरे दोस्त हैं जो मतलब कह रहे हैं कि यार आज फ़्लाइट्स खुले और हम आएँ, लेकिन यह है कि कोविड की वजह से नहीं आया जा रहा उनसे ना। तो इंशाल्लाह वो भी व्लॉग्स वगैरह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और बेल्जियम ब्रसल्स मैं कल 12 बजे जा रहा हूँ यहाँ से, और 2:30 बजे मेरी वहाँ पर फ्लाइट कह रहा हूँ बस पहुँचेगी, फ्लिक्स बस की मैंने टिकट करवाई है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एम्स्टरडेम को ब्रसल्स जो है ना फ्लिक्स बस का एक व्लॉग भी बना दूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये था जी एक छोटा सा रिव्यू घर का, कि डच लोगों के घर कैसे होते हैं, मोस्टली उनके सारे इसी तरह के घर होते हैं। देख रहे हैं आप, मैंने रूम भी आपको दिखा दी है, उसके अलावा वाशरूम भी दिखा दी है, किचन भी दिखा दी है, एलेक्स भी मिला दी। और कुछ रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन वहाँ मेरे से कर सकते हैं, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।